कल ना एक बड़ी कमाल की लाइन पढ़ी मैंने, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया, और राजा साहब उस सड़क से थोड़ा सा दूर छुप करके खड़े हो गए, और वे जानना चाहते थे कि कौन है हमारी प्रजा में जो आकर के कोशिश करेगा इस पत्थर को हटाने की। जनता धीरे धीरे उस सड़क से निकल रही थी, लोगों का आना जाना चल रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर देखा, साइड से निकल गए। होते ना, मतलब अपनी तो सही चल रही, अपने को क्या लेना देना दूसरे की जिंदगी से। कुछ लोग आए, उन्होंने राजा को गालियां देना शुरू किया, क्या राजा है हमारा, देखो सड़कों की हालत क्या हो रखी है, बड़े बड़े पत्थर सड़कों के बीच में रखे हैं। एक किसान वहां से निकल रहा था, सर पे टोकरी थी, वो उस पत्थर के पास आया, उसने टोकरी को नीचे रखा, पत्थर को उसने हटाने की कोशिश की, भारी पत्थर था इसलिए हटा नहीं, दोबारा कोशिश की, धीरे धीरे पत्थर थोड़ा खिसका और उस किसान ने उस पत्थर को सड़क के साइड कर दिया। वापस आकर के किसान ने जब टोकरी सर पर उठाने की कोशिश की, तो उसकी नजर पड़ी कि वहां एक थैली थी जिस जगह पर पत्थर था। उस थैली को उसने उठाया, खोला तो उसमें सोने की अशर्फियां थी और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और जानना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाकर सफलता के पास पहुंचता है। आपकी भी जिंदगी में एक पत्थर रखा है, अगर आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पत्थर हटेगा और वो मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं।